kindly subscribed. Assalamu alaikum dosto, aaj hum jis mulk ka zikr karna ja rahe hain aur jiske 10 interesting facts hum dekhne ja rahe hain wo hai Islami Jamhuriya Iran. 1979 ke inqilab ke baad iska sarkari naam jo hai wo Islami Jamhuriya Iran ho chuka hai. Number 2, official language yahan pe Persian ya Farsi kaha jata hai wo boli jati hai, yahi inki official language hai. Iski jo abadi hai wo 3 crore ke lagbhag hai. Number 3, population agar hum dekhen to yahan pe ye Shia largest country ke taur pe jana jata hai. Iranian 80% hai, uske alawa Armenia se talluq rakhne wale log aur Kurdon ki bhi ek badi tadad yahan pe basti hai. Number 4 pe Iran mashhoor hai Khusro Parvez ki wajah se. Khusro Parvez Iran ka ek aisa badshah tha jo Rasul Pak ke daur mein maujood tha aur Rasul Pak ne kaha ki main Nushirwan Adil ke daur mein paida hua, mujhe khushi hai. Uske baad Khusro Parvez aaya, isne Rasul Pak ke khat ko phada tha aur phir jo iske sath hua wo aapko pata hoga, jange Qadsiyah mein inka pehlwan Rustam musalmanon ke haath mara gaya. Ye sab cheeze wahan pe maujood hain aur dekhne se taluq rakhti hain. Ji to panchwa jo point hai wo hai currency. Toman Iran ki currency hai aur bahut weak hai. Pakistani ek toman jo hai wo Pakistani agar aap 500 rupaye milte hain ek toman ke, 7000 toman mein Iran mein ek anda milta hai. Lakh rupaye leke jaye aur lakh rupaye crorepati agar aap hona chahte hain to Iran mein badi jaldi ho jate hain paise ki devaluation ki wajah se. छठे नंबर पे वेदर है जी. ईरान के अंदर हॉट वेदर समर में होता है और विंटर में कोल्ड वेदर होता है. सफाई पसंद कौम है, बहुत साफ एरियाज आपको मिलते हैं, इतने साफ कि आपको परेशान कर देते हैं. सातवें नंबर पे जी टूरिज्म है. ईरान का जो टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म है और रिलीजियस टूरिज्म होने की वजह से वो शोहरत रखता है. यहाँ पर इमाम रज़ा, मासूमा कुम और हाफिज़ शिराज़ी की मज़ारात आपको मिलते हैं. ईरान को बाघों का मुल्क भी कहा जाता है या बाकसरत बाग़ात भी पाए जाते हैं. ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी मार्केट ईरान में है. ईरान पिस्ता ईरानी बहुत मशहूर है और आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है. उसके अलावा ज़ाफ़रान भी ईरान की अच्छी चीज़ों में से है. नंबर 8, अगर ईरान की पुराना देखें तो काचार ख़ानदान के बाद पहलवी ख़ानदान, 2000 साल पहलवी ख़ानदान रहा. आखिरी बादशाह रज़ा शाह पहलवी था जो कि इनकलाब के हाथों जलील हो गया और उसके बाद यहाँ पर इनकलाब के बाद जो हुकूमत आई है वो इनकलाब के बाद वो सुप्रीम लीडर का एक रोल होता है ईरान में. और सुप्रीम लीडर का जो रोल होता है वो पॉलिटिकली ज़्यादा होता है और वही फ़ौज को भी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनका तयन करते हैं. नौवें नंबर पे ईरान अपने घरों के लिए भी शोहरत रखता है. तमाम घर जो हैं उनके एक पानी का हौस बनाया जाता है, उसके गिर्द कमरे बनाए जाते हैं. ईरानी खाने, वस्ती एशिया से आने वाले खाने ईरान में भी मकबूल हैं. ईरानी चुल्लो कबाब बहुत मशहूर है. उसके अलावा भी ईरान की खानों में कबाब, ईरानी कबाब वगैरह बहुत मशहूर हैं. सबसे ख़ास बात जी 10वें नंबर पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ईरान के अंदर जो एक रूहानी लीडर या सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इस्फहान का जो इलाका है ईरान के अंदर, आपको उसके जो मशहूर इलाके उनका नाम बताऊँ, तहरान, मशहद, इस्फहान, कजार, शराज, कुम, इसमें जो इस्फहान का इलाका है वहाँ पर यहूदी रहते हैं. उनका कहना है कि जी दज्जाल का खरूज जो है वो यहाँ से होगा, इसलिए वो बैठे हुए हैं उसके इंतज़ार में. तो जो जी सफियानी का खरूज है या दज्जाल का खरूज है वो यहूदियों के नज़दीक यहाँ से होगा. तो इसलिए ये थोड़ी सी मालूमात है ईरान के बारे में. अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें. शुक्रिया.